सबको दिख ही रही है। आज का हमारा लेक्चर है हीटर हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव है माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट और माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट। तो आज हम सिर्फ इसको समझेंगे, हमें इसे लिखना नहीं है, सिर्फ इसको समझना है, ठीक है। लिखना हम इसको कल से स्टार्ट करेंगे और मैं पहली बोल रही हूँ उसको 2-3 लेक्चर हम देके चलेंगे, इसको समझते हैं हीटर हाइपोथेसिस क्या है। हमारे फिनोमिना होते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन लीड टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट लाइट इज वेव और वेव नेचर। या आपने 12th में भी पढ़ा है कि जो इंटरफेरेंस है, डिफ्रेक्शन है, पोलराइजेशन है, इन फिनोमिना से हम ये कहते हैं कि जो हमारी लाइट होती है वो वेव नेचर रखती है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द लाइट रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये भी पढ़कर आए हैं कि लाइट को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। द वेलोसिटी ऑफ वेव थ्रू द मीडियम इज गिवन बाय v इक्वल टू अंडर रूट ई बाय रो, वेयर ई इज इलास्टिसिटी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर हम किसी मीडियम में वेलोसिटी निकालें लाइट की या वेव की, तो वो हमारा होगा v इक्वल टू अंडर रूट ई बाय रो, जहाँ पे ई उस मीडियम की इलास्टिसिटी होती है और रो डेंसिटी होती है उस मीडियम की। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट की जो वेलोसिटी है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो यानी कि हमें ऐसा मीडियम चाहिए जिसकी इलास्टिसिटी जो है हाई हो। द मीडियम शुड हैव हाई इलास्टिसिटी एंड वेरी लो डेंसिटी। अगर हम चाहते हैं हमें कितनी वैल्यू मिले, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड वैल्यू मिले लाइट की, तो इलास्टिसिटी हमारी हाई होनी चाहिए और डेंसिटी हमारी लो होनी चाहिए, ठीक है। विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अ हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर वॉज एज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर इवन इन द फ्री स्पेस। जब वेव थ्योरी एक्सेप्ट हुई तो ये माना गया कि इस फ्री स्पेस में भी एक हमारा हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, ठीक है, एक इमेजिनरी मीडियम एग्जिस्ट करता है जिसको हम ईथर बोलते हैं। ईथर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज बोली गई, पहला तो यही है कि इसकी इलास्टिसिटी हाई होनी चाहिए, डेंसिटी लो होनी चाहिए, प्लस ये इतना रिजिड होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए जैसे स्टील, ठीक है, स्टील की तरह रिजिड होना चाहिए। उसके बावजूद ये रिजिड है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर जब प्लैनेट मूव करें तो वो इजीली मूव कर लें। देखो हाइपोथेसिस कैसी थी, ईथर हाइपोथेसिस, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल मीडियम भी बोल रहे हैं। क्या हाइपोथेसिस मानी गई कि एक तो फ्री स्पेस में हमारा क्या हो, ईथर हो, और ईथर में भी क्या क्या प्रॉपर्टी हो, कि इलास्टिसिटी उसकी हाई होनी चाहिए, डेंसिटी लो होनी चाहिए, और ईथर स्टील की तरह मजबूत होना चाहिए, लेकिन प्लैनेट उसके अंदर इजीली मूव भी करने चाहिए। प्लैनेट मूव करेंगे उनमें कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगनी चाहिए, फ्रिक्शन लेस होने चाहिए। फ्रिक्शन क्यों नहीं लगना चाहिए, कि भाई अगर हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है, अगर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी तो धीरे धीरे वेलोसिटी स्मॉल होती चली जाएगी, लो होती जाएगी, और एक टाइम पे आके हमारा प्लैनेटरी मोशन रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, प्लैनेट्स तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तो हाइपोथेसिस में क्या कहा गया कि ईथर की हाई इलास्टिसिटी हो, लो डेंसिटी हो, स्टील की तरह स्ट्रांग हो, फ्रिक्शन लेस हो, सो प्लैनेट कैन मूव इजिली इन विद इन द ईथर, और रेस्ट में रहे ईथर हमारा। तो ये अज्यूम किया गया, कहा कि जो हमारा प्लैनेट जब मूव करेंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा ईथर के अंदर, फ्रीली मूव हो जाएगा प्लैनेट, और ईथर प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड और एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सब होगा और ईथर हमें एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस या स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे देगा। अब जब ईथर स्पेस में हो गया, फ्री स्पेस में हो गया और स्टेशनरी हो गया, अर्थ हमारी मूव कर रही है, तो इसका मतलब यह है अर्थ और ईथर के बीच में रिलेटिव मोशन है, अर्थ और ईथर के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो वो डिटेक्ट होना चाहिए। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए माइकलसन एंड मॉडले दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज ईथर। यहां तक सुनिए मैंने क्या समझाया, फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्या हुआ कि जो हमारी वेव, हाँ जी बताइए, तो वो अर्थ के चारों तरफ ईथर है, मान लीजिए ईथर रहेगा तो वो भी तो मूव करेगा अर्थ के वेलोसिटी से। नहीं, ये कहा कि स्पेस में, फ्री स्पेस में वो एग्जिस्ट करता है और वो मूव नहीं करता है, वो स्टेशनरी है, यही तो कंसीडर किया गया, ये हाइपोथेसिस है।
देखो हाइपोथेसिस में और रियल फैक्ट्स में अंतर होते हैं। ये जब हमारी वेव थ्योरी आई तो उस टाइम तक हम लाइट को पार्टिकल थ्योरी की तरह कंसीडर नहीं करते थे। अब तो हम ये कहते हैं कि लाइट जो है ड्यूअल नेचर रखती है, ठीक है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, है ना। लेकिन जब जिस टाइम डेवलपमेंट हो रहा था तो उस टाइम इनिशियली तो यही माना गया था कि लाइट जो है सिर्फ वेव नेचर रखती है, और वेव नेचर में भी उनने कौन कौन से फिनोमिना ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुके थे, इंटरफ्रेंस डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन। तो वहां से है, ये बीच का पार्ट है। उसके आगे तो आप फिर पार्टिकल थ्योरी हम बोल ही चुके हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लाइट है वो हमारा ड्यूअल नेचर रखती हैं। तो अभी तो ये हम इधर हाइपोथेसिस ही है, फेल हो गया है। मैं बोल भी रही हूँ कि अभी हम जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो फेलियर है, एक तरीके से फेलियर है, इन द सेंस कि जो हम हाइपोथेसिस लेके चले वो उसको वेरीफाइड नहीं कर पाया, तो फिर उसने कहा ये होता नहीं है, है ना। पर हम इसको सक्सेस भी मान सकते हैं कि इससे हम जो एक गलत हाइपोथेसिस लेके चल रहे थे वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो माइकलसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम फेल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी वजह से हमें फिर आगे की चीजें मिली। अगर वो नहीं करते तो हम फिर ये इसी उसमें जीते रहते कि ईथर एग्जिस्ट करता है फ्री स्पेस में। तो पहले इथर हाइपोथेसिस क्या कहा गया कि जो हमारी वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, वो फिनोमिना डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस शो करती हैं, लाइट वेव होती हैं, तो उनको चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, और उस मीडियम को इथर कंसीडर किया गया, एक हाइपोथेटिकल मीडियम। और उस हाइपोथेटिकल मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज बताएगी कि ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और वो प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए कि वो हाई इलास्टिसिटी होनी चाहिए उसकी, लो डेंसिटी होनी चाहिए। हाई इलास्टिसिटी और लो डेंसिटी की होनी चाहिए क्योंकि लाइट की जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ m/s होती है, वो तभी आएगी। फिर कहा गया कि वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? स्पेस में तभी एग्जिस्ट करेगा, वीक सा होगा तो उसको तो कोई भी प्लेनेट अपने साथ लेके मूव करके चला जाएगा, तो स्ट्रांग होना चाहिए। फिर फ्रिक्शनलेस भी होना चाहिए कि जो प्लैनेट्स हैं वो उसके अंदर से पेनिट्रेट भी कर जाए, इजिली मूव भी कर जाए। तो देखो ना, आप हाइपोथेसिस से ही समझोगे कि हम अलग अलग चीजें मांग रहे हैं एक ही चीज से, है ना। एक ही मटेरियल से हम अलग अलग क्वालिटी चाह रहे हैं, तो से बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है। हाँ, बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज एक ही मटेरियल से हम चाह रहे हैं। हाँ हाँ तो आज बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज कंसीडर कर रहे हैं ना, तो सोचो उसी मटेरियल से तो हम कह रहे हैं स्ट्रांग भी हो स्टील की तरह, प्लस उसके अंदर जो है हमारा प्लेनेट मूव भी कर जाए, और मूव भी ऐसे करे कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी ना लगे, ठीक है। तो हाइपोथेसिस ही है, पता लग रहा है कि इमेजिनरी सारा कंसेप्ट चल रहा है। तो और ये कह रहे हैं कि वो रेस्ट में भी रहे, वो मूव भी नहीं करे, एक स्टेशनरी फ्रेम या एब्सोल्यूट फ्रेम की तरह बिहेव करे। और क्योंकि अर्थ हमारी उसके रिलेटिव मूव कर रही है, तो अर्थ और ईथर के बीच में हम रिलेटिव मोशन ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि इज वेदर रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर कैन बी डिटेक्टेड और नॉट। इफ डिटेक्टेड देन वी कैन चूज स्टेशनरी ईथर एज ए एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एक्सप्रेस ऑल द मोशन रिलेटिव टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। माइकलसन एंड मॉर्ले परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेशनरी ईथर एंड अर्थ। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए, कुड नॉट सक्सीड। Hence, the concept of absolute frame of reference that is ether failed, that is ether is not present. उनके इस एक्सपेरिमेंट से यही रिजल्ट निकल के आया कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था उनका, माइकल स्क्रीन शो हो रही है, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो चलिए। तो हम ऑब्जेक्टिव की चलिए एक बार फिर लास्ट में जो मैं बोल रही थी वो रिपीट कर देती हूँ। नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज वेदर रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर कैन बी डिटेक्टेड और नॉट। इफ डिटेक्टेड देन वी कैन चूज स्टेशनरी ईथर एज ए एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एक्सप्रेस ऑल मोशन रिलेटिव टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। माइकलसन एंड मॉर्ले परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेशनरी ईथर एंड अर्थ। उन्होंने बहुत सारा एफर्ट किया इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, दे कुड नॉट सक्सीड। हैंस द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज ईथर इज नॉट प्रेजेंट, ठीक
ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड किया कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है। बट वो एक्सपेरिमेंट क्या था या उसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग द माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट वॉज टू कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज ईथर फ्रेम। तो पहला ऑब्जेक्टिव उनका यही था कि वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ईथर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सेकंड था टू डिटरमाइन द रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर बाय मेजरिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑन अर्थ सरफेस। साथ में अगर स्टेशनरी फ्रेम है हमारा ईथर तो अर्थ उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रही है, तो वो लाइट की वेलोसिटी को मेजर करना चाह रहे थे। अर्थ मूव कर रही है और लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में यूज करते हुए इनके रिलेटिव मोशन को देखना चाह रहे थे। ये हमारा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने परफॉर्म किया था माइकलसन एंड मॉडले ने 1887 में। ठीक है, एम टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज ईथर फ्रेम एंड टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ईथर फ्रेम इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी को यूज करते हुए अर्थ की वेलोसिटी को मेजर करना चाह रहे थे। तो ये उनके दो ऑब्जेक्टिव थे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, और ये हमारा एक्चुअल एपरेटस है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का। अब देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें थी हमारे पास। एक हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट था, उसके आगे कन्वर्जिंग लैंस यूज हो रहा था। यहाँ पे बीच में हमारे ऑप्टिकल कुछ प्लेट्स होती हैं कंपनसेटिंग प्लेट्स, वो हम नहीं दिखा रहे, नहीं तो फिर डायग्राम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या क्या था उनके एक्सपेरिमेंट में? एक सोर्स ऑफ लाइट था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स उन्होंने लिया था। उसके आगे कन्वर्जिंग लैंस था, फिर एक ग्लास प्लेट थी जो सेमी सिल्वर्ड थी। सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट क्यों लेते हैं? कि जो हमारी जो लाइट इस पे इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और ट्रांसमिट भी हो सकती है इस प्लेट से। तो उन्होंने सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट ली जो 45 डिग्री पे इंक्लाइन थी। 45 पे क्यों रखते हैं? जिससे जो इस पे लाइट इंसिडेंट होगी जब उसके टू पार्ट्स होंगे तो इक्वल एम्पलीट्यूड में डिवाइड होगी। ठीक है, अगर 45 के एंगल पे इंक्लाइन है ये। तो फिर हमारे पास टू मिरर्स हैं, मिरर M1 एंड मिरर M2। जब लाइट सोर्स से कन्वर्जिंग लेंस से पास हुई तो यहाँ पे पैलर बीम्स बन गई। वो पैलर बीम इस सेमी ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट हुई जिसके लाइट के टू पार्ट्स हो गए। फर्स्ट लाइट जो यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर रखा था, ठीक है, ये फुली सिल्वर्ड मिरर था M1 और M2। और M1 एंड M2 की जो पोजीशन है वो इस ग्लास प्लेट से इक्वल डिस्टेंस पे थी। यहाँ से जो ये डिस्टेंस है PB, अगर ये मैं D ले रही हूँ तो PA की जो डिस्टेंस है वो भी D है। तो ये दोनों मिरर इस ग्लास प्लेट से इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए थे। उसके अलावा एक टेलीस्कोप जो ऑब्जर्व कर सके इस पूरे फिनोमिना को, उसके लिए एक टेलीस्कोप यूज कर रहे थे। तो क्या होता है जब सोर्स से लाइट इंसिडेंट होती है ग्लास प्लेट पे, तो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट रे जो रिफ्लेक्ट हुई है मिरर M1 पर जाती है और M1 से वापस रिफ्लेक्ट बैक होके ग्लास प्लेट में आती है और यहाँ से ट्रांसमिट होके टेलीस्कोप में चली जाती है। जो सेकेंड रे है जो ट्रांसमिट हुई थी मिरर M2 पर जाती है, M2 से वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है ग्लास प्लेट पे, और यहाँ से जो पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हुआ वो भी हमें टेलीस्कोप में ऑब्जर्व हो जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पर टू बीम्स आ रही हैं जो सेम सोर्स से हैं, एक रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ए से, एक बी से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और ग्लास प्लेट से दोनों यहाँ पे रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होकर आ रही हैं। उन दोनों के बीच में सुपर पोजिशन होता है और इंटरफेरेंस पैटर्न हम इस टेलीस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर से इस डायग्राम को समझिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सोर्स है, कन्वर्जिंग लेंस है,
ग्लास प्लेट है जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, टू मिरर्स हैं M1 एंड M2 जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से, एक टेलीस्कोप है जिसमें हम इंटरफ्रेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब सोर्स से लाइट कन्वर्जिंग लेंस पे इंसिडेंट होती है तो पैलर बीम में चेंज हो जाती है और वो पैलर बीम सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट होती है। यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। जो रिफ्लेक्ट होता है वो मिरर M1 से वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है और हमें टेलीस्कोप में उसकी बीम मिल जाती है। जो यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है मिरर B2 से रिफ्लेक्ट होके ग्लास प्लेट से फिर रिफ्लेक्ट होके हमें यहाँ मिल जाता है, और इन दोनों बीम्स के बीच में जो इंटरफ्रेंस पैटर्न होता है वो हम टेलीस्कोप में ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये बताइए पी से ए और पी से बी और ऐसे ही वहां से रिफ्लेक्ट बैक होने में जो टाइम लगेगा दोनों लाइट का वो सेम लगेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो है ना डिस्टेंस सेम। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है, तो जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम सेम लगेगा, लेकिन ये हमारा पूरा का पूरा एपरेटस अर्थ पर सेटअप है और अर्थ पर सेटअप है और इस तरीके से सेटअप है कि जो हमारी ये पीबी आर्म है ये उस डायरेक्शन में रखी है जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, इस तरीके से सेट है कि जो ये पीबी आर्म है अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये पीबी आर्म भी मूव कर रही है। ये पूरा का पूरा एपरेटस हमारा अर्थ पर रखा है और अर्थ हमारी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जब अर्थ मूव कर रही है तो पूरा का पूरा ये सेटअप भी वी वेलोसिटी से मूव करेगा। जो ऑब्जर्वर है, क्योंकि हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ईथर के रिस्पेक्ट में, और ईथर को क्या मान रहे हैं हम, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो टेलीस्कोप से वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको ये पूरा का पूरा एपरेटस वी वेलोसिटी से मूव होता हुआ दिखाई देगा। समझे मैंने क्या कहा, कि ये हमारा पूरा एपरेटस हमारा अर्थ पर रखा है और अर्थ हमारी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं ये हम ईथर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि ईथर को चेक करना है कि वो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नहीं है, तो ईथर के रिस्पेक्ट में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये पूरा का पूरा एपरेटस वी वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो जो टाइम हम जिसकी बात कर रहे थे कि जो पी से ए जा रहा है और ए से पी आ रहा है, या रे जब पी से बी जा रही है और बी से पी वापस आ रही है, तो टाइम सेम लग रहा है, लेकिन किसको लग रहा है, जो ऑब्जर्वर इस पूरे एपरेटस के साथ बैठा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर है दूर है उसको T1 और T2 सेम नहीं दिखाई दे रहा है, उसको अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब वो डायग्राम से समझिए कि कैसे दिख रहा है। T1 टाइम में किसे बोल रही हूँ, T1 टाइम जो P से A जा रहा है मैं उसको बोल रही हूँ, T2 टाइम जो रे P से B जा रही है और B से P वापस आ रही है उस टाइम को बोल रही हूँ। तो P से A और A से P वापस आने टाइम को हम T1 बोल रहे हैं, P से B और B से P वापस आने को हम टाइम T2 बोल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर इस पूरे एपरेटस के साथ बैठा हुआ है उसको तो T1 और T2 सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर टेलीस्कोप से देख रहा है उसको T1 और T2 सेम नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं एक डायग्राम दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो समझिए इस डायग्राम में क्या बता रहे हैं, जो ऑब्जर्वर स्पेस में है टेलीस्कोप से देख रहा है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रे सीधे ना जाते हुए एक ट्रायंगुलर पाथ में दिखाई दे रही है। अब इसको समझने के लिए हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। ऐसे समझिए कि आप अगर ट्रेन में हैं और ट्रेन को थ्रो करते हैं ऊपर की साइड, अप साइड जो है आप ट्रेन को थ्रो करते हैं और फिर उसको कैच करते हैं, तो आपको उसका पाथ स्ट्रेट ही दिखेगा, क्योंकि आप उसी फ्रेम में हैं जिस फ्रेम में वो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है। लेकिन अगर आप दूसरे फ्रेम में हो जाएं, अगर आप ग्राउंड पे हो जाएं और आपका फ्रेंड
ट्रेन में खड़े होके बॉल को थ्रो करे और ट्रेन वी वेलोसिटी से मूव करे तो आपको उस बॉल का पाथ स्ट्रेट ना दिख के पैराबोला दिखाई देता है, दिखता है? मैम तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर माइकलसन ने यूज किया कि जो हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसके लिए पाथ स्ट्रेट है पी से ए और ए से पी, लेकिन जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और उसके लिए ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एपरेटस मूव कर रहा है उसको ये लाइट पी से ए जाती भी नहीं दिखती है। क्या होता है जब लाइट पी से ए की साइड जाती है तो कंटिन्यूअसली ये मूव कर रहा है तो रे पी से ए डैश पर जाती है, फिर वापस जब आ रही होती है तो ये और शिफ्ट हो जाता है तो रे ए डैश से पी डैश पे रे आती हुई दिखती है, तो उसको इसका पाथ स्ट्रेट ना दिख के ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखता है। और जब हम तब कैलकुलेशन करते हैं तो अभी यहाँ पे मैं फिलहाल कैलकुलेशन नहीं करा रही हूँ, मैंने पहले बताया आज सिर्फ हम इसको समझेंगे, कल इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो तब हम अगर टी वन कैलकुलेट करते हैं तो टी वन आता है हमारा 12 अपॉन c 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है क्योंकि ये पूरा एपरेटस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वी टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लाइट हमारी सी वेलोसिटी से चलती है तो अगर पी से ए डैश की बात करूं या एम वन डैश तक की बात करूं तो पी से एम डैश तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सी वेलोसिटी से टी टाइम में सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये भी कितना होगा यहाँ से पी से ओ तक की डिस्टेंस वी टी होगी, है ना? टी टाइम में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये एपरेटस तो जो पी से ओ की डिस्टेंस होगी वो वी टी होगी। सिमिलरली जब एम वन से डैश से पी डैश पे आएंगे तो लाइट मूव कर रही है, लाइट सी वेलोसिटी से मूव करती है टी टाइम में सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ओ से पी डैश की जो वैल्यू होगी वो हमारी वी टी होगी। जितना टाइम रे को पी से एम वन डैश जाने में लगेगा उतना ही टाइम एम डैश वन से पी डैश आने में लगेगा, तो अगर यहाँ पर हम टाइम टी ले रहे हैं तो यहाँ पर भी टाइम हमें टी ही लेना पड़ेगा। तो टी वन यानी कि जाकर रे का वापस आने में टाइम जो है टी वन वो हमारा 2t होगा, और 2t हम क्या करेंगे ट्रायंगल दिख भी रहा है इसमें पाइथागोरस लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो टी वन आ जाएगा 12 अपॉन c 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, एक टाइम कैलकुलेट कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी डायरेक्शन में क्या होगा, दूसरी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, उनके लिए तो लाइट भी मूव कर रही है और अर्थ भी मूव कर रही है। जब लाइट पी से ए की तरफ या पी से बी की तरफ मूव कर रही है उस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, लाइट की भी और वी की भी, तो जो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है उसको इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जब हम सेम डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या करते हैं तब उसको वेलोसिटी सबट्रैक्ट करके दिखती है ना, तो उसको वेलोसिटी इसकी दिखेगी सी माइनस वी। और जब हमारी एपरेटस इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस इस डायरेक्शन में आ रही है तो जो स्टेशनरी फ्रेम है यानी ईथर फ्रेम है उसके ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी सी प्लस वी दिखाई देगी। इन दोनों एपरेटस के बीच में यानी कि पी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि जैसे जैसे बी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पी भी बढ़ेगा, पूरा एपरेटस क्योंकि अर्थ पे सेट है तो जैसे पूरा एपरेटस एक साथ मूव कर रहा है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहनी है। कौन सी डिस्टेंस की बात कर रही हूं मैं, इस डिस्टेंस की, यहां से ये डिस्टेंस, तो जैसे जैसे बी आगे चलना है वैसे वैसे हमारा पी भी आगे मूव होना है, लेकिन जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग है। जब रे पी से बी जा रही है तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी सी माइनस वी दिखाई दे रही है, और जब रिफ्लेक्ट बैक होके आ रहा है यानी बी डैश से पी डैश के पास आ रहा है तो वेलोसिटी सी प्लस वी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो उसके इसमें टी टू आता है हमारा 12 अपॉन c 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो अगर हमारे पास दो टाइम है तो हम टाइम इंटरवेल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टाइम इंटरवेल कैलकुलेट करेंगे तो टी टू माइनस टी वन आ जाएगा LV स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। जब पाथ डिफरेंस आ गया तो हम
टाइम डिफरेंस आ गया, तो हम टाइम डिफरेंस कब होगा, जब दोनों का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा, तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे t इंटू वी से, t हमारा है एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, और वेलोसिटी लाइट की होती है c, तो c से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए c क्यूब जो है c स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा, तो हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यूज करेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यूज करेंगे, तो पार्ट डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है या एन लैम्डा होता है तो मैक्सिमम की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, जो पार्ट डिफरेंस आया उसको एन लैम्डा के इक्वल रख देंगे, या हम इसको एन वन ले लेते हैं, फर्स्ट केस में लेके चल रहे हैं, तो एन वन की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि एक बार तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, अब सेकंड टाइम में उन्होंने पूरा का पूरा एपरेटस 90 डिग्री रोटेट कर दिया, एपरेटस रोटेट थ्रू 90 डिग्री। अगर पूरा का पूरा एपरेटस हम रोटेट कर दें तो क्या होगा, देखो अब इस डायग्राम को समझते हैं। अगर इस एपरेटस को मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो क्या होगा कि ये जो हमारा सोर्स है, अब इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री, तो ये सोर्स की पोजीशन यहां आ गई, ठीक है। ये मिरर ए या M1 ये यहां पहुंच गया, ये जो बी है ये ए की पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है, टेलीस्कोप इधर पहुंच है ना, पहुंच गया। इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो जो टाइम हमने t1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं मिरर m1 के लिए निकाला था, वो टाइम अब हमारे मिरर m2 के लिए हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये पहुंच जाएगा। यस ठीक है। सिमिलरली जो टाइम हमने इसके लिए निकाला था पी से बी के लिए, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो टाइम हमारा मिरर M1 के लिए हो जाएगा। तो अभी जब हम T2 माइनस T1 कर रहे थे, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो अब अगर हम T2 माइनस T1 करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो क्या हो जाएगा, जो पहले बड़ा हो रही थी वैल्यू अब वो छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो उस केस में जो टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वो माइनस आएगा, माइनस, और फिर पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वो भी माइनस रहेगा, तो माइनस एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से जैसे हमने पार्ट डिफरेंस की कंडीशन लगा के एन वन कैलकुलेट किया, ऐसे ही एन टू कैलकुलेट किया, तो दो फ्रिंज आ गई, एक हमारी पहले ऑपरेटस के अकॉर्डिंग, दूसरी हमारे दूसरे ऑपरेटस के अकॉर्डिंग। तो हमने फ्रिंज शिफ्ट निकाल लिया, फ्रिंज शिफ्ट क्या होगा कि इन दोनों में कितना शिफ्ट हुआ, पहले फ्रिंज हमें किस पोजीशन पे मिल रही थी, रोटेट करने के बाद हमें फ्रिंज किस पोजीशन पे मिल रही थी। तो फ्रिंज शिफ्ट निकाला, तो n1 माइनस n2 इक्वल टू 2l v स्क्वायर अपॉन लैम्डा, इन सब की वैल्यूज रखी, l की वैल्यू होती है 11 मीटर, v की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ अर्थ, लैम्डा उन्होंने सोडियम लाइट यूज की तो जो होती है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, और इन सब के वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी फ्रिंज शिफ्ट आई वो 0.4 फ्रिंज हमें मिलनी चाहिए थी, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया गया तो जो उन्हें फ्रिंज शिफ्ट मिलनी चाहिए थी वो उन्हें इतनी मिलनी चाहिए थी, बट इतनी डिटेक्ट नहीं हुई। एपरेटस ऑफ माइकलसन एंड मॉर्ले इज सो सेंसिटिव दैट इट कुड डिटेक्ट अ शिफ्ट ऑफ एज स्मॉल 0.01 ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, बट कोई डिस्प्लेसमेंट फ्रिंज का हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ इन दिस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उन्हें लगा कि इन्होंने यहाँ पे किया है, हो सकता है इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने दूसरी लोकेशन पे इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया, वहां पर भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिली, फिर नेक्स्ट लोकेशन पे इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया, नहीं मिला, फिर उन्होंने लगा हो सकता है हाइट की प्रॉब्लम हो, डिफरेंट हाइट्स पे ट्राई किया, फिर डिफरेंट सीजन्स में ट्राई किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट काफी टाइम परफॉर्म किया, बट उनको जो ये फ्रिंज शिफ्ट मिलना चाहिए था 0.4 वो उनको नहीं मिला,
तो इसका मतलब जो वो ऑब्जर्वेशन लेके चल रहे हैं, जो वो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं या जो वो हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है. तो फिर उन्होंने ये बोला कि स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है, और इससे उन्होंने यही कंक्लूड किया. अब लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई रिजल्ट आ जाए तो हम उसी को तभी नेग्लेक्ट कर देते हैं. कुछ साइंटिस्ट ने ये रिजल्ट क्यों नहीं मिला इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट. माइकलसन ने तो इसको यहीं पे एंड कर दिया कि दिस नेगेटिव रिजल्ट्स सजेस्ट दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेशनरी ईथर एंड अर्थ, दस ऑल अटेम्प्ट्स टू मेक ईथर एज ए फिक्स्ड और एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस फेल्ड. तो उन्होंने यही मान लिया कि ये नहीं होता है. लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट ने इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब हमारा ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है. लेकिन यहाँ तक जो हमने एक्सपेरिमेंट समझा, इसको एक बार आप बताइए मुझे कि कहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया. तो उसके बाद जो है, उसके बाद जो है जो ये कंसीडर किया गया, तो उसके बाद क्या था कि ईथर है या नहीं, ये मतलब अज्यूम किया गया था ऐसा कुछ कि नहीं इसके रिजल्ट के बाद? रिजल्ट के बाद कंक्लूड कर दिया कि स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज ईथर डज नॉट एग्जिस्ट. अच्छा, डज नॉट एग्जिस्ट. मैम जो एपरेटस 90 डिग्री पे किया तो मैम तब से समझा दीजिए, मैं एक बार वो समझ नहीं आया. नहीं, एक्सपेरिमेंट देखो अभी तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास 5 मिनट हैं. ये अब दोबारा से जो होगा कल होगा. जिसको क्या क्या समझ में आया, क्या कहाँ नहीं आया, वो मुझे पता लगना चाहिए जिससे कल फिर मैं उसी अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना. आयुष बोलिए. मैम एक पॉइंट, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, वो एन कहाँ से, वो नहीं समझ आया. अरे वो तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा होती है इंटरफ्रेंस में. जब आपने इंटरफ्रेंस ऑफ फ्रिंजेस पढ़ा होगा तब कंडीशन निकाली होंगी. जब दो लाइट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगी या तो मिनिमा की कंडीशन देंगी या मैक्सिमा की कंडीशन देंगी, तो हमने पहले मैक्सिमा की कंडीशन लगा के देखा कि पाथ डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, और लैम्डा बाय 2 इवन मल्टीपल मीन्स 2n लैम्डा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n लैम्डा रह गया. तो वो कंडीशन यूज. हेलो मैम. ऐसा भी तो हो सकता है कि रिलेटिव में होगा और अर्थ जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से ईथर भी मूव करे ताकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए. एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट तो यही है. लेकिन फिर जब हम हाइपोथेसिस जो कंसीडर कर रहे हैं कि ईथर शुड बी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो तो फिर गलत हो गया ना. एक चीज सोचो, मैं ये कह दे, ये जो तुम बोल रहे हो ये तो हमारे एक्सप्लेनेशन है नेगेटिव रिजल्ट्स के, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. अंकित जो तुम्हारा दिमाग है, तो एक साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि, बल्कि माइकलसन ने क्या, पहले तो एक साइंटिस्ट ने क्या, माइकलसन ने ही प्रपोज किया दैट ईथर ड्रैग विद ईथर. ड्रैग मीन्स साथ साथ मूव कर रही है ईथर, ठीक है. लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने इसको तुरंत के तुरंत रिजेक्ट कर दिया क्योंकि फिर तो हाइपोथेसिस गलत हो जाएगी ना, क्योंकि तूने तो बोला था रेस्ट पे था. हाँ, रेस्ट में जो हम मान के चल रहे हैं वही गलत हो गया. वही गलत हो गया, तो स्टार्टिंग ही खराब हो गई. हाँ, वो जो हम बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट में होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा भी हुआ. तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. 3 एक्सप्लेनेशन है. एक ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस है, दूसरा लॉरेंज फ्रिगेल्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला है, और लास्ट तो खैर वैलिड है वो. अब हम जब आइंस्टाइन पोस्टुलेट, इसी की वजह से इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही फिर हमारा आइंस्टाइन पोस्टुलेट को वैलिडिटी भी मिली, ठीक है. तो बल्कि आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया कि लाइट की जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है. अभी हमने वेलोसिटी को एक बार सी प्लस वी लिया, एक बार सी माइनस वी लिया. उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है. जो लाइट होती है वो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट बॉडीज के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करती है, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट होती है बिटवीन द रिलेटिव मोशन एंड सोर्स ऑफ. जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो सिर्फ लो वेलोसिटी पे एप्लीकेबल होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे एप्लीकेबल नहीं होती है. Yes, ma'am. Thank you. ठीक है, तो अब इसको हम कल करेंगे. हमें, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ आप लोगों को. थैंक यू मैम.
ओके okay.